फ्रेंड्स वेलकम बैक टू फूडफिलिक। आज हम बनाने वाले हैं चिली गार्लिक पोटैटोस, और उसके लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए गार्लिक। ये 8 से 10 क्लोव्स गार्लिक हैं जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए 4 से 5 बड़े रेड चिलीज, 1/2 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1.5 टीस्पून चिली सॉस। उसके अलावा हमें चाहिए 1/2 टीस्पून MSG यानी अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप ना डालें। और उसके अलावा 2 बड़े चम्मच हमें यहाँ पे चाहिए शेजवान चटनी या शेजवान सॉस। और मैंने यहाँ पे कॉर्नस्टार्च लिया है जो हमें फ्राई करने के लिए और ग्रेवी में यूज़ होगा। और उसके साथ मैंने ले लिया है पोटैटोस जो कि मैंने पार बॉईल किया है, यानी इसे 2 से 3 मिनट हमने बॉईल कर लिया है पानी में और इसे वेजेस की शेप में हमने कट कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स के अलावा हमें चाहिए ऑयल जिसमें हम डीप फ्राई करेंगे, और उसके अलावा सॉल्ट टू टेस्ट। मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल रख दिया है फ्राई होने के लिए। एक तरफ गर्म हो रहा है और ये जो हमारे पार बॉइल्ड वेजेस हैं जिसे हमने थोड़ा बॉईल कर लिया है उसमें हम डालेंगे कॉर्नस्टार्च लगभग 1 टेबल स्पून, आई गेस थोड़ा और लगेगा, 1/2 टेबल स्पून और डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ये ऑटोमेटिकली कोट हो जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा पानी लगा हुआ है ऑलरेडी। हमारे वेजेस अच्छे से कोट हो चुके हैं कॉर्नस्टार्च से और अब हम इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है और इसे मीडियम फ्लेम पे हम पोटैटोस को फ्राई कर लेंगे। तो इसमें हम एक एक करके हमारे वेजेस ड्रॉप करेंगे। अब हमने सारे पोटैटो वेजेस को इस ऑयल में डाल दिया है और इसे हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और अब ये गोल्डन होना धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं, लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए। गोल्डन और क्रिस्प हो चुके हैं, इसे हम एक पेपर टॉल पर निकाल लेते हैं। और ये हमने पूरे वेजेस को फ्राई करके पैन में से निकाल लिया है एक पेपर टॉल पर। पैन ले लिया है यहाँ पे और इसमें लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल हम हीट कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। जैसे ऑयल ये हीट हो जाए हम इसमें डालेंगे हमारा गार्लिक जो हमने फाइनली चॉप किया है। बाद हम इसमें डालेंगे हमारी रेड चिलीज ब्रेक करके। इसमें हमने लगभग 3 से 4 रेड चिलीज डाल दिए हैं। ये हमारे गार्लिक जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे हमारा रेड चिली सॉस लगभग 1.5 टीस्पून। फ्लेम को हम थोड़ा स्लो कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हमारा शेजवान चटनी 1.5 टेबल स्पून, ये 1 टीस्पून सोया सॉस, फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो, इसे आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा शुगर डालेंगे ताकि ये सॉसेस के जो टेस्ट हैं वो थोड़े माइल्ड हो जाएं। अब जो हमारा कॉर्नस्टार्च था बचा हुआ उसमें हमने थोड़ा पानी डाल के मिक्सचर बना लिया है और उसे भी डाल लेंगे। अब इसे हम कर लेंगे मिक्स और इसमें डालेंगे हमारा विनेगर 1/2 टीस्पून, डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। अब लगभग 1 मिनट हो चुका है और ये हमारे सॉसेस जो हैं वो पक चुके हैं। इसमें हम डालेंगे हमारे फ्राइड पोटैटोस। ऐसे कर लेंगे सॉस के साथ मिक्स हाई फ्लेम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितने यमी लग रहे हैं चुके हैं, और इसे अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। और अब ये हमारे चिली गार्लिक पोटैटोस हो गए हैं रेडी, और आप देख सकते हैं ये कितने स्पाइसी और यमी लग रहे हैं।